back again to our channel Sanju Gaya Travel Channel Blog. और शबा खैर, आशा करते हैं कि आप सब लोग भी खुश होंगे, मजे में होंगे. तो आज आपका क्या प्लान है हमें तो पता नहीं, पर हमारा प्लान क्या है, बहुत दिनों के बाद हम निकले हैं जरा कुछ खाने पीने के लिए टाइम स्पेंड करेंगे और क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे. प्रदीप्ता दीदी से हेलो दीदी तो ओके. एंड प्रदीप्ता दीदी और राजन भैया के साथ हम काफी दिनों के बाद निकले हैं, और क्योंकि वो पहले हम उनके साथ रहते थे ना, तो हर दूसरे दिन गोली हो जाते थे उनके साथ. मिस करते हैं हम उन्हें बहुत ज्यादा, क्या करें, जिंदगी है. बट शुक्र है ज्यादा दूर मूव नहीं हुए हैं, पास ही हैं. तो चलिए, अब आज हमारा प्रोग्राम यह है कि हमें प्रदीप्ता दीदी ने बताया कि उन्हें खाने का बड़ा शौक है, तो उन्होंने एक ठिकाना ढूंढा है और उन्हें मुझे बोला है कि गाय चलते हैं यहाँ पे सैनफोर्ड में, है ना दीदी वो, लेक मेरी सैनफोर्ड में एक रेस्टोरेंट है, रसोई रेस्टोरेंट, रॉयल रसोई. और वो कहते हैं कि बहुत अच्छा इंडियन खाना है उसमें, साउथ इंडियन है दीदी, नहीं सभी कुछ है, सभी कुछ है, इंडियन कुजीन है, इंडियन कुजीन है. ऐसा ना हो खोदा पहाड़ निकली चुहिया, जाएंगे देखेंगे और फिर बताएंगे. तो हम लोग पहुंचते हैं आपको और बताते हैं कि वहाँ का खाना पीना के साथ जाने की, काश हमारा जो टेस्ट का बर्ड है वो सेटिस्फाई हो जाए. रियली में बहुत उम्मीदों के साथ जाने, बाकी हम आपको फीडबैक जरूर देंगे और जो उसके आसपास हो जरूर ट्राई करना स्टैनफोर्ड के रॉयल कुजीन को. यस, सो ट्रू सो ट्रू. तो ऐसा है कि हम तो पीछे की तरफ बैठे हैं, तो हम लोग वीडियो बना रहे हैं, पर संजू महाराज जो आगे की तरफ है हम आपको दिखाते हैं, अभी वो ड्राइव कर रहे हैं. तो संजू जी हेलो कीजिए. मैं हेलो पीछे करूंगा ना तो गाड़ी आगे छूट जाएगी. हाँ वो तो खैर मुझे पता है, ऐसे आगे की तरफ देख के बोल लो, थोड़ा हाय हेलो कर लो. हेलो, वो अपने उससे कर लेंगे. राजू भैया आप कर देना जरा, आप तो हेलो, हाय 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 हेलो. चलिए हम लोग पहुंच चुके हैं अपने डेस्टिनेशन. आपको थोड़ा सा दिखाती हूँ मैं आपको अराउंड यहाँ पे क्या क्या है. तो ये एक हमारे घर से 40 मिनट्स की ड्राइव पे है सैनफोर्ड एरिया, और ऑरलैंडो और उसके बीच में पड़ता है, डिफरेंट साइड यू नो. सो लेट मी गो अराउंड एंड शो यू इट, जस्ट अ लिटल मार्केट, वेरी क्यूट वन. एंड यहाँ पे है रॉयल रसोई इंडियन कुजीन, और फिर खाना खाने के बाद बताएंगे कैसा था खाना. सो देखिए मौसम तो देखिए आप, हल्का हल्का बादल हो रहा है, और ये खड़े हुए हैं आरती और प्रदीप्ता दीदी, और ये हमारा रॉयल कुजीन इंडियन, व्हाट इज दैट, रॉयल रसोई इंडियन कुजीन. तो हम लोग रास्ते से हट जाते हैं और ये दोनों के दोनों यहाँ पे बुक कर खड़े हैं खाने के लिए तैयार. सो बाहर भी खा सकते हैं, या देखिए ये रहा रॉयल रसोई इंडियन कुजीन, और लेक मैरी में है ये. यहाँ पे हम देखते हैं हम कहाँ बैठते हैं क्या करते हैं. काफी अच्छा सा स्टेशन है ये, संजू लोग तो गाड़ी लगाने गए, गाड़ी लगा के आएंगे. यहाँ पे पार्किंग नहीं दिख रही थी उन्हें. इट्स अ क्यूट प्लेस, लेट्स सी. सो हम लोग जा रहे हैं अंदर. यहाँ पे लिखा हुआ है लंच मंडे वेडनेसडे फ्राइडे 11:30 to 3, सैटरडे संडे 11:30 to 4 PM डिनर, और ये इनका नंबर भी दे रखा है यहाँ पे. और देखिए यहाँ पे गुरु रंधावन और कनिका जी का कल शो है, बट मैंने टिकट नहीं खरीदी, मैं काम कर रही थी और मेरे साथ कोई जाने वाला भी नहीं था, अदरवाइज आई वुड हैव गॉन. आई रियली लव हिज सॉन्ग, आई मीन, बट लेट्स सी, क्या पता कल बन जाए बन जाने का. देख लो रेस्टोरेंट में आए हैं खाना खाने के लिए, और अब भी देखते हैं कैसा खाना है, फिर आपको बताते हैं, रिव्यू देते हैं, कुछ अच्छा सा लग रहा है और जो भी कुछ खाने के लिए आया है पहले, सबसे पहले वो देख लो आप लोग. थैंक यू. पापड़ और
कुछ चटनी देखते हैं कैसी है। लेट्स ट्राई द पापड़ एंड चटनी। तो कुछ ऐसा दिखता है, इसका नाम है, नाम क्या है जी इसका? रॉयल रसोई कुजीन। रॉयल रसोई कुजीन, इंडियन कुजीन। तो हम वैसे लिखा है। और ये है लेडी लेक, लेडी लेक है जी। ये परेशान ना करो दीदी को, खाना खा ले तो, जो खा रही है ना उनको खा लेने दो। तुझे क्या चाहिए आरती जी? आरती को तो प्लेट नहीं मिली है। इसको प्लेट चाहिए, प्लेट नहीं मिल रही। कर देंगे, क्यों गुस्सा हो रही है? इसको भूख लग रही है, इसका मतलब पक्की बात है। जब ये ऐसा रिएक्शन देने लगती है उसको भूख लग रही है भैया। दीदी कब्जा करके बैठी। आरती को जब भी भूख लगती है तो ऐसे ही गुस्सा करती है ना, तो वही कर रही है। तो देखिए भैया क्या ऑर्डर कर रहे हैं। दीदी भी चपट चपट खा रही है। और ये देखिए पापड़ मिले हमें, और हरी बिरंगी चटनी, प्याज और इमली की चटनी है, मीठी चटनी, हरी चटनी है। आरती रानी ने बोला कि वो तो सिर्फ टमाटो सूप पिएगी। और हम तो पता नहीं, अभी सोचा नहीं हम क्या गए। हम तो भरमा भिंडी देखी थी मैंने, भिंडी मसाला। सो तो मेन्यू तो ऐसे दिखता है जी। मेन्यू मत दिखाओ भाई, तुम तो ये देख लो तुम्हें क्या। तो ये देखो हमने, हमें क्या मिल गया, किंग फिशर बियर मिल गया। यहाँ पे बहुत सालों के बाद किंग फिशर बियर पी रहे हैं मैं और भैया की। बियर पिए ज़्यादा नहीं पिए, बेबी बियर है। तो हमने मंगाया है ये पनीर टिक्का और समोसा चाट, अच्छा है। सो देखिए खाना आ चुका है, पर ऐसा है कि अभी तो नॉन वेज आया है, मेरा खाना तो आया नहीं है। हमने तो भिंडी शिंडी मंगवाई थी। और यहाँ पे क्या आया संजू जी आपका? बटर चिकन, देसी चिकन। देसी चिकन, देसी चिकन क्या होता है? अच्छा, और ये उधर हुआ है भैया आपका क्या है राजन भैया? गोट करी। और ये आपको पता है हमारी दीदी तो रुकती नहीं है, अभी हमारी दीदी तो सफेद चावल खा रही है क्योंकि और कुछ खाने के लिए नहीं है उनके साथ। हमारी भी आ गया। और तो खाना तो अच्छा लग रहा है, मैंने अभी तक जो भी खाया है वो भी मुझे अच्छा लगा। और भिंडी आ गई है मेरी, मसाला भिंडी। और थोड़ा सा धोखा हो गया, मुझे लगा था इसमें भिंडी वो काट के जो तवे वाली होती वो मिलेगी, बट वैसा नहीं है। ठीक है, स्वाद होनी चाहिए, भिंडी मेरी फेवरेट है। आई होप आप सबकी भी फेवरेट हो। ठीक है, ये चिकन है और मटन है। तो चलिए खाना खाते हैं, भूख तो बड़ी तेज की लगी है। व्हाट, प्रभु को याद कीजिए। एक ही बात है, सही बात है। सो दोस्तों हम वापस आ चुके हैं अपना खाना वाना खा के, पर आपको बताते हैं खाना कैसा था। खाना मस्त था, डिलीशियस था। हम लोगों ने ऑर्डर किया था कुछ वेजिटेरियन खाना और कुछ नॉन वेज खाना, दोनों ही दोनों खाने बहुत ही अच्छे थे। और खाने की क्वांटिटी बहुत अच्छी थी, क्वालिटी भी अच्छी थी, टेस्टी भी था। और हम कुछ खाना पैक करके भी लाए हैं, तो चलिए दिखाते हैं आपको। सो देखिए उन्होंने क्वांटिटी इतनी ज्यादा दी थी कि हम खाए भी और उसके बाद हम घर भी ले आए। ये है भिंडी मसाला और पनीर टिक्का मसाला, साथ में राइस थे। और जो करी, कोड करी, मीट वगैरह था वो सब हमने भैया के साथ पैकिंग कर दी, क्योंकि मैं तो वेजिटेरियन और कल से नवरात्रे शुरू है तो हम लोग कुछ भी नहीं लाए, बट इट वाज अ डिलीशियस फूड। सो गाइस ये भी एक कम्युनिटी है, बिल्कुल हमारे नेबरहुड में है। कभी कभी हम यहाँ वॉक करने के लिए आते हैं, अभी मॉर्निंग वॉक करने के लिए आए थे हम लोग। कल रात को तो आगे सो गए थे और मैडम ने यहाँ पे बोला कि आज इस तरफ कम्युनिटी वॉक करने चलते हैं। नेक्स्ट हमारी नेक्स्ट नेबरहुड है, जस्ट अक्रॉस द रोड है, तो हमने सोचा आपको ये भी दिखा दें। इसमें थोड़ा यूनिकनेस है, इसके काफ़ी ओल्ड कम्युनिटी है, ये गेटेड कम्युनिटी तो है नहीं वैसे, इंडिविजुअल होम्स हैं। तो आप अपने होम्स को कैसा भी कलर कर सकते हो, कैसी भी लुक दे सकते हो सिटी से या उससे। ये देखो ये क्या है,
कंप्यूटर है, किसी का पीसी है ख़राब हो गया होगा तो उन्होंने बाहर रख दिया, इसकी हार्ड ड्राइव निकाल दी होगी। तो ऐसे ही होता है यहाँ पे, कोई चीज़ ख़राब हो जाती है बाहर रख दी जाती है, जिसको लेने ले जाओ, नहीं तो पिकअप करने के लिए आते हो, पिकअप करके ले जाते हैं। कुछ जो सेकेंड हैंड स्टफ को सेल करते हैं उनके लिए, जैसे कि मैं बता रहा था कि ये जो पीसी बाहर रखा हुआ था, तो ऐसे ही सेकंड हैंड चीज़ें जो बेचते हैं वो लोग उठा ले जाते हैं, नहीं तो सिटी या काउंटी के जो सा भी डिपार्टमेंट आपका लगता है वो लोग ले जाते हैं। बढ़िया कम्युनिटी लगती है, बड़ी प्यारी, चारों तरफ पेड़ों से ढकी हुई है, और बाहर से जब हम इसके रोड से क्रॉस करते हैं तो कुछ नहीं दिखाई देता। यहाँ फ्लैग बहुत लगाते हैं अपनी कंट्री का, प्राउड फील करने के लिए, विच इज़ गुड। ये कुछ ऐसे है ये कैनाल, इसके ऊपर से इसका व्यू कुछ ऐसा आता है। ये घरों के पीछे पीछे है, लोग अपनी बोट रखते हैं, जैसे वो सामने बोट खड़ी है, यहीं से बैठे और सीधा लेक में चले गए। गाय कह रही इधर भी दिखाओ, इधर भी सेम ही है, मैं सोच रहा हूँ तुम्हें साइड से दिखाऊँ। नहीं वो एंड है वहाँ पे ना, फिर ये राइट में चली जाती है, राइट में जब जा रही है तो ये हमारे घर की तरफ जा रही है। ये देखो पीछे घर के पीछे दिख रही है, मैं दिखाता हूँ। और इस कम्युनिटी में ना जो घर बड़े यूनिक से हैं, काफ़ी ओल्ड टाइम के, मैं कुछ एक घर आप लोगों को दिखाता हूँ। ये कुछ ऐसे कैनाल हैं, इसमें बड़े वो भी है, एलिगेटर्स भी हैं। नाइस, अरे बाबा क्या है नीचे, कुछ नहीं है ये देखो। ठीक है, ये अभी ये बोलेगी नहीं। ये देखो कितनी सारी डक है, ड्यू टू पीछे हुआ है ना कैनाल, तो इस कैनाल के साइड साइड से डक घूमती रहती है। हाँ लुक नाइस, वाइट कलर की है, उधर पीछे कुछ ब्लैक ब्राउन से कलर में है, डोंट लुक नाइस। सो गाइस एक रेलवे ट्रैक भी है हमारी कम्युनिटी के साथ में, वो सामने हमारी कम्युनिटी आ गई है, वो देखो सामने हमारी कम्युनिटी की एंट्रेंस है, और ये सामने रेलवे ट्रैक है जिस पर रेल आती नहीं है, कभी कभार आती है हफ्ते में एक बारी दो बारी, जो कि लोडिंग का काम करती है, बस वही आती है, पहले कभी कभार इसमें वो भी चलती थी। सो गाइस ये हमारी कम्युनिटी की एंट्रेंस है, सामने मेन रोड है, उधर रेलवे ट्रैक है जैसे मैंने अभी आपको दिखाया था, ये कुछ ऐसी है। सो गाइस हम लोग वॉक करके वापस आ चुके हैं, हमने किए 6 माइल की वॉक, और कल रात को जैसे आप लोगों को मैंने बताया कि हम आके जल्दी सो गए थे तो रात को वीडियो का एंड नहीं कर पाए थे, तो अभी हम लोग वीडियो का एंड करते हैं। अगर आप लोगों को अच्छी लग रही है, बढ़िया लग रही है, तो सब्सक्राइब करो, क्या करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो यार, शेयर करोगे तो और हमारे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, हमारे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो हमें भी मोटिवेशन मिलेगी, मोटिवेशन मिलेगी तो और अच्छी वीडियो बनाएंगे। और हाँ दो बातें तो बताना मैं भूल ही गया, क्या वन ऑफ एक बहुत अच्छी सीरीज आ रही है ना, ये ना टैन हो जाते हैं इसलिए सनस्क्रीन लगा के जाना चाहिए, मेरे को तो किसने टोक भी दिया, गई थी तो आजकल क्या कर रही है, बहुत टैन हो रही है। तो एक करंट ये हमेशा ना कहीं और ले जाती है बातों को, बातें सुनने नहीं देती है। तो बात ये है कि एक बहुत अच्छी सीरीज आने वाली है, तो हो सकता है वीडियो थोड़ा लेट आए, क्योंकि जहां हम लोग जा रहे हैं वहां पे पता नहीं हमें टाइम मिलेगा या नहीं मिलेगा वीडियो बनाने का, लेकिन अगर वीडियो बनाने का टाइम मतलब वीडियो तो हम बनाएंगे, उसको एडिट करने का टाइम पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, बुजुर्ग आदमी थक जाते हैं ना जल्दी। और दूसरा हम कोशिश करेंगे कि अपनी वीडियो रेगुलर डालने के लिए, तो मैंने चूज़ किया है कि वीकेंड पे हम अपनी वीडियो डाला करेंगे, अमेरिकन टाइम में फ्राइडे एंड इवनिंग टाइम अराउंड 8 से 10 बजे के बीच में रात को, 8 to 10 PM, और इंडियन टाइम के हिसाब से सैटरडे मॉर्निंग और संडे मॉर्निंग को आया करेगी वीडियो। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि ऐसे हम कर पाएं। प्लीज़ सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। थैंक यू, बाय बाय।